अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त हिफ्जा। बच्चों, हर दफ़ा ना मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ एक कहानी। तो आज कौन सी कहानी है आपको पता है? आज की हमारी कहानी ना बड़ी मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि आप लोग अपने घरों में गेम्स तो खेलते हो, मुख्तलिफ तरह के खेल भी खेलते हो, तो आज बस आप ही की तरह के बच्चे हैं जो कि हमारी कहानी में खेलेंगे घर में कोई ना कोई खेल। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि आज ये बच्चे कौन सा खेल खेलते हैं। बच्चों, आज की जो हमारी कहानी है ना, उसके अंदर तीन बहन भाई हैं। एक का नाम है कासिम, एक का नाम है असलम और दूसरी का नाम है इरम। अब ये तीनों बच्चों को ना छुट्टी है और आपको पता है इतवार का जो दिन होता है ना, वो बच्चे घर में गुजारते हैं। अब ये तीनों बच्चे सोच रहे हैं कि इतवार का दिन है, हमने तो स्कूल भी नहीं जाना। आप लोग भी नहीं जाते ना इतवार को स्कूल, तो इसी तरह से छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन घर में ऐसे तो नहीं गुजार सकते। इन्होंने आपस में सोचा कि हम क्या करें। बस इरम को ना एक तरकीब सूझी। इरम ने अपने भाइयों से कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम आँख मचोली खेलते हैं। अब आपको पता है आँख मचोली क्या होती है? आँख मचोली के खेल में ये होता है कि बच्चे अपनी आँखों पर पट्टी बांधते हैं या फिर आँखों पर हाथ रखते हैं, बाकी सारे बच्चे छुप जाते हैं और वो एक बच्चा जो खोजी होता है वो उनको ढूंढता है। फिर जिस बच्चे को सबसे पहले ढूंढा जाता है वो बच्चा बारी देता है। चलें जी। इरम बड़ी खुश थी। खुश इसलिए थी कि इरम कहती है कि मैं खोजी बनूंगी, मतलब कि मैं बारी दूंगी। अब उसके दोनों भाई छुप गए। इरम ने अपनी आंखों पे हाथ रखा और गिनती गिनने लगी, 1, 2, 3, 4, 5। अब इरम ने जब 28, 29, 30 तक गिनती गिन ली तो उसने अपनी आंखों पे से हाथ हटाए। जब उसने हाथ हटाए तो उसने देखा कि मेरे दोनों भाई तो यहाँ पर है ही नहीं। अब इरम ढूंढती पूरे घर में ढूंढ रही है, मगर उसको अपने भाई कहीं नहीं मिल रहे। बस फिर इरम ने अलमारी के पीछे देखा तो अलमारी के पीछे कोई नहीं था। फिर उसने मेज़ के नीचे देखा तो मेज़ के नीचे भी कोई नहीं था। फिर उसके बाद वो गई बावर्ची खाने में, उसने बावर्ची खाने में तलाश किया तो वहाँ पे भी कोई नहीं था। अब इरम ने सोचा कि हो ना हो ये दोनों दादा जान के कमरे में होंगे। बस फिर इरम दादा जान के कमरे में आहिस्ता आहिस्ता गई। उसने पलंग के नीचे देखा तो उसको दो पाँव नजर आए। उसने फौरन से जाके उसको छू लिया और छूते ही उसने शोर मचा दिया, छू लिया। अब इस खेल में अगर आप किसी दूसरे खिलाड़ी को छू लेते हो तो उसकी बारी होती है। बस फिर कासिम आराम आराम से पलंग के नीचे से बाहर निकल आया और असलम भी शोर सुन के अलमारी के पीछे से बाहर निकल आया। बस फिर अब बारी थी कासिम की, उन्होंने फिर से खेल शुरू किया और इसी तरह से बच्चे खेलते रहे और इतवार की छुट्टी का सारा दिन उन्होंने खेल में गुजार दिया। तो बच्चों, कहने का मकसद ये है कि छुट्टी वाले दिन इधर उधर टाइम बर्बाद करने से बहुत बेहतर है कि आप कोई ना कोई जिस्मानी वर्जिश करते रहें, कोई ना कोई खेल खेलते रहें, अपनी अम्मी का काम में हाथ बटाते रहें। इससे आप सेहतमंद भी रहते हैं और आपका जो वक्त है वो भी अच्छा गुजर जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। अभी के लिए बाय बाय।